बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सऊदी बुज़ुर्ग की जी मस्जिद नबवी से वीडियो वायरल होती है। मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो क्लिप साथ में अभी चलाकर इनका दिखा देता हूँ। मैं आपने अक्सर देखा होगा हरम शरीफ या मस्जिद नबवी में अगर कोई बंदा सफाई करने वाला भी किसी से पैसे लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको भी वो ड्यूटी से फारग करके, काम से फारग करके डीपोर्ट कर देते हैं। ये रूल है अभी सऊदीया का कि सफाई करने वाला भी कोई किसी से पैसे नहीं लेगा। हाँ भाई, लोग उसकी हथेली में चुपके से पकड़ा जाते हैं, वो अलग मामला है, रश होता है, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन एक बंदा भाई, जैसा कि पिक्चर आप देख रहे हैं, बाकायदा मस्जिद नबवी और खड़े हुए और लाइन लगी हुई है और सबके सब भी माशाल्लाह खादमल हरमैन शरीफैन, यानी कि मस्जिद नबवी के खादम, बहुत अच्छी ड्यूटी है जी माशाल्लाह ये, और वो उनकी लाइन लगी हुई है, उनको 100-100 रियाल तकसीम कर रहा है। ठीक है, तो भाई कोई तो मुआजरा है। बहरहाल आप में से परदेसी भाइयों ने कितनी, यानी कि मैं अपनी, आपको अपनी भी बता देता हूँ, मैं, हम जो सऊदीया में काम करते हैं, तो आपको भाई अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ईदी मिली होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो अमीर तलाल है आपको पता है, वो मैंने देखा है, सुना है जी, देखा नहीं है, सॉरी, देखा मैंने उसको, किस टाइप से आपको बता देता हूँ मैं, वो 500-500 रियाल ईद देता है जी, सुना है जी। हम रियाज में थे, हैयल नसीम रियाज और पाकिस्तानी स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर भाई मैंने देखा है कि उस एरियाज में ना सब अमीर रहते हैं, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि साइकिल्स के ऊपर को 8-10 गार्ड थे उसके, और दरमियान में वो शायद अमीर तलाल ही था, मुझे तो वही लगा पिक्चर वगैरह के हिसाब से, तो वही था, वो साइकिल लेकर जा रखा था। तो बहरहाल उसके मतलब सुना है जी कि वो 500-500 रियाल ईद तकसीम करते, लेकिन हमें नहीं मिली। हाँ, मुझे अब तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ईद मिली है तो 200 रियाल मिली है किसी से, बहरहाल 50-100 रियाल तो आम मिल जाते हैं। और आपको पता है रमज़ान के महीने में ये जो अक्सर हम बात करते हैं, ये चावल की, राशन की, यानी कि वो काफ़ी तादाद में सऊदी तकसीम करते हैं। बहरहाल आपको मैं वीडियो क्लिप साथ में चलाकर दिखा रखा हूँ भाई, मैं ये मस्जिद नबवी से बाकायदा वीडियो क्लिप वायरल होता है, और एक सऊदी बुज़ुर्ग बाकायदा उसने एक भाई पूरी गद्दी पकड़ी हुई है नोटों की, और 100-100 रियाल वो निकाल रहा है, और तमाम वो जो वहाँ पर खादम है उनको तकसीम कर रहा है। तो मैंने बोला कि ये बंदा जो है ना, ये सऊदी बुज़ुर्ग है, अच्छी बात है तकसीम करे, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपको पता है, जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, लेकिन यार ये असर सुख रखता होगा, और ऊपर से कोई इतना बुरा काम भी नहीं कर रहा है, एक साइड पर कहीं उनकी लाइन लगाई, यानी कि आवाम तंग ना हो इनसे, बस गुजर रास्ता जो है वो ना ब्लॉक हो, तो उस हिसाब से वो 100-100 रियाल निकाल कर उनको दिए जा रहा है। और वो जो सफाई वाले हैं भाई, हम परदेसी होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, वो ले रहे हैं और भाई उसको दुआएं देते जा रहे हैं। तो अच्छा इकदाम है तमाम परदेसी भाई, आप मुझे कमेंट में यार ज़रूर बताइएगा, कभी आपको सऊदी अरबिया में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ईदी कितनी मिली है।